हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स आज हम आपके लिए आए हैं बैचलर इन फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड जिसका कोर्स कोड है बी पी फोर जीरो वन टी के यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इन यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दोनों तरीके के क्वेश्चन को आपके सामने रखेंगे इस वीडियो में जो भी प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ ये सभी प्रीवियस ईयर्स में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं यानी पिछले पाँच सालों में जो अलग अलग विश्वविद्यालय हैं उनसे पूछे गए प्रश्न मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसका मतलब कि ये सभी प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट हैं और इनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना काफी ज्यादा है एक चीज़ और कि इस वीडियो में जैसे हम लोग पिछले वीडियोज़ में कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आंसर भी आपको देते हैं वो शॉर्ट टाइप के या मॉडल क्वेश्चन पेपर में हम आंसर डिस्कस करते हैं बट यहाँ हम कोई आंसर डिस्कस नहीं कर रहे हैं यहाँ सिर्फ हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं आप इनके आंसर्स के लिए क्योंकि हमने फमासुट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड का जो ये पूरा सब्जेक्ट है आपका पूरा सिलेबस है उसके वीडियोज पहले ही बना रखें उसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहाँ से आप इसके आंसर्स देख सकते हैं या फिर आप जिस भी बुक या जिस भी नोट से आप पढ़ रहे हैं वहाँ से आप इनके आंसर्स को अच्छी तरीके से सर्च करके एक बार लिखिएगा जितना आपको एग्जाम में लिखना है एक चीज़ और कि आप जब ये सर्च करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके साथ तैयार भी साथ ही साथ होते चलेंगे तो ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाएगा तो मैं हूँ डॉक्टर प्रचन्या शुक्ला चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट वन की जो कि फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड कोर्स कोड बी पी फोर जीरो वन में आता है अब इसमें जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो है मुझे दो मार्क्स के जो कि कई बार पूछे गए वो आपके सामने रख रहा हूँ सबसे पहले एक बेसिक जो सबसे क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन स्टीरियो आइसोमेजरम एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी ये कई बार पूछा गया प्रश्न है बड़ा ही बेसिक सा प्रश्न है और इसके पूछे जाने की संभावना हमेशा बनी रहती है और इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा ये देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहा हूँ इस पर क्योंकि तो ये बहुत पूछा गया है या तो ये पूछा जाए या तो ये पूछा जाए और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाटर मीजो कम्पाउंडस एंड मिक्सर सेम ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिन पर बहुत ज़्यादा प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं तो ये दोनों ही प्रश्न जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दो दो लाइन के आपको डेफिनेशन लिखनी है एक दो एग्जाम्पल्स के साथ आप इनको बता सकते हैं अगला प्रश्न है एक्सप्लेन आर एस सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर विथ टू एग्जाम्पल्स आर एस सिस्टम ऑफ नॉमिंग्लेचर हम बोल सकते हैं या फिर जो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन है उसको बताने का सिस्टम है आर एस सिस्टम और इन दोनों ही आ, में जो आपका एग्जाम्पल्स है उसको आपको डिक्लेन कर एक्सप्लेन करके यहाँ पर बताना है तो ये भी शॉर्ट में ही आपको लिखना है और ये बहुत बार पूछा गया है चाहे वो दो नंबर में हो सात नंबर में हो या दस नंबर में हो ये पूछा जाता है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है हमारे लिए बन जाता है तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इनन्शियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स विद एग्जाम्पल्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ uh, में इनन्शियो मैडिज़म एंड डायस्टीरियोमेरिज्म भी पूछा गया है तो इनशियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स को uh, क, के एग्जाम्पल्स के साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं और जो जो फिनोमिना है उसी को इनैन्शियो या डायस्टेडियो के नाम से जानते हैं तो वो सेम uh, क्वेश्चन के अंतर्गत आएगा और ये दोनों को आप तैयार रखिएगा क्योंकि तो इस पर भी या तो अकेले इनैंशियो मर्ज पर भी प्रश्न जो है वो पूछा गया है तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा और ये भी बहुत बार पूछा जाता है अगला प्रश्न है डिफ्रेंशिएट कायरल एंड ए कायरल मॉलिक्यूल कायन मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं ए कायरल मॉलिक्यूल कौन से मॉलिक्यूल होते हैं या कायरल कार्बन जो है इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है तो ये भी एक टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न है और काफ़ी बार पूछा गया इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न है वॉट इज पार्शियल एंड एब्सलूट सेंथेटिक सॉरी सिमेट्रिक सेंथेसिस जो पार्शियल और एब्सोल्यूट सिमेट्रिक सेंसेसिस है उस पर आपको एग्जाम्पल्स के साथ तैयार रखना है ये दो सात और दस नंबर में पूछा जा सकता है अगर दोनों में पूछा है तो केवल डेफिनेशन लगा करके आप निकल गए एक एग्जाम्पल दे करके और सात नंबर पूछा थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कई बार पूछा गया प्रश्न है तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये हमारे लिए और बहुत बार पूछा गया है इसको ध्यान रखेगा नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द टर्म प्लेन पोलराइज लाइट एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्लेन ऑफ सिमेट्री ये कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज़ हैं जिन पर प्रश्न इस यूनिट से काफ़ी ज़्यादा बनता है दैट इज़ कि प्लेन पोलराइज लाइट क्या है उसको आप किस तरीके एक्सप्लेन करेंगे पोल्री मीटर पर भी प्रश्न पूछा गया वट इज़ पोल्री मीटर तो वो एक दो जगह पूछा गया इसलिए आप उसको ध्यान रखिएगा अगला है हमारा कि एलिमेंट्स ऑफ सोमेट्री क्या है या प्लेन ऑफ सोमेट्री क्या है इन तीनों चारों टर्म में से कोई एक टर्म जरूर पूछा जाता है इसलिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है अगला प्रश्न है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डी एल कैपिटल डी कैपिटल एल एंड स्मॉल डी स्मॉल एल सिस्टम ऑफ नॉमन क्लेचर देखिए इस पर हम लोगों ने काफ़ी इस पर वीडियोज़ भी किए हैं काफ़ी सारे बच्चों के प्रश्न आते हैं उस उसमें हम लोगों ने आंसर भी किया है कि ये जो कैपिटल डी कैपिटल और कैपिटल आर और कैपिटल एस ये जो चार आप टर्मिनोलॉजी सुनते हैं स्टीरियो आइसोमाइजम में ये दोनों नॉमन क्लेचर का भी सिस्टम है साथ ही साथ ये कन्फिग्रेशन बताने के काम में आता है जबकि जो स्मॉल डी स्मॉल एल है ये प्लेन पोलराइज डाइट को मॉलिक्यूल किस तरफ जो है रोटेट कर रहा है वो इसकी डायरेक्शन बताने के काम में आता है और नॉमिक में भी इसको हम लोग प्लस या माइनस से भी लिख सकते हैं तो ये दोनों में अंतर है और ये क्या अंतर है ये आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है और ये बहुत बार पूछा गया है या तो सिंपल इसी को पूछा जाए या इसको पूछा जाए या फिर दोनों के बीच में अंतर पूछा जाए या आर और एस और डी और एल में अंतर पूछा जाए ये प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं इसीलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले इस यूनिट के जो अगला पार्ट है दैट इज लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि उसमें सात नंबर में या दस नंबर में यानी कि ज्यादा जिसमें आपको लिखना है वो आ सकता है नंबर के हिसाब से आप आंसर करेंगे तो जो पहला प्रश्न है वो एक्सप्लेन द टर्म इनैंशियोमर्स मीजोमर्स डाइस्टीरियोमर्स रेस्पिक मॉडिफिकेशन ये सभी जो हैं ये दो नंबर में एक एक करके भी आ सकते हैं एक साथ कई सारे आ सकते हैं तो ये आपको टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड प्रश्न और उसमें से कई सारे हमेशा बार बार पेपर में मिलते हैं इसीलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अगला प्रश्न राइट डिटेल नोट ऑन मेथड्स यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन कन्फिग्रेशन को पता करने के कौन कौन से मैथड है आइसोमेरिज्म के वो उस पर बहुत बार प्रश्न पूछा गया है और ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बनता है अगला है गिव आर एस सिस्टम ऑफ नॉमिक्लेचर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स विथ सिक्वेंस रूल्स सिक्वेंस रूल्स पे अलग से प्रश्न पूछे गए हैं दो नंबर में भी और सात नंबर में भी लेकिन आर एस सिस्टम ऑफ नॉमिंक्लेचर को बहुत बार पूछा गया है इस सिक्वेंस रूल्स के साथ और ये दस नंबर में जनरली पूछा जाता है इसी तरीके से डीएल सिस्टम जो नॉमिक लेचर का ऑप्टिकल आइसोमैरिजम का वो भी पूछा जाता है तो जो आर एस सिस्टम है वो एब्सोल्यूट कन्फिग्रेशन बताता है जबकि ये जो है हमारा आ, रिलेटिव कन्फिग्रेशन बताने के काम में आता है कैपिटल डी और कैपिटल एल तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और इनके आ, मतलब ज़्यादातर पेपर्स में आपको ये मिलेगा अगर आप बार बार उठा करके देखेंगे पुराने पेपर्स को तो बहुत बार पूछा गया है और ये पूछे जाने की संभावना इस बार भी है क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस आइसोमेरिज्म में Agla what do you mean by rapic modification? Discuss the method for the resolution of रेस्मिक मिक्सचर तो रेस्मिक मॉडिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है कौन कौन से मेथड्स हैं जो कि रेजोल्यूशन ऑफ रेस्मिक मिक्सर में यूज़ करते हैं ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है बहुत बार पूछा गया है तो हम बहुत ज़्यादा इन सब सभी प्रश्नों को अगर आप तैयार करते हैं तो इक, आपका एग्जाम में जो पेपर होगा वो अच्छे से होगा इसकी आप गारंटी ले लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन प्लेन सॉरी पार्शियल एंड एब्सोल्यूट ए सीमेट्रिक सेंथेसिस विथ एग्जाम्पल सिमेट्रिक सेंथिसिस भी पूछा जा सकता है ए सीमेट्रिक सेंथेसिस भी पूछा जा सकता है पार्शियल एंड एब्सोल्यूट एग्जाम्पल्स के साथ तो ये दोनों ही एग्जाम्पल के साथ जब पूछे जाते हैं तो इन दोनों में से कोई एक जरूर आ सकता है एग्जाम में तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बनता है और गिव द रिएक्शंस ऑफ कायरल मॉलिक्यूल्स कायरल मॉलिक्यूल्स किस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं ये भी कई बार पूछा गया है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और इसमें कुछ प्रश्न है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कुछ जो है आ, है इंपॉर्टेंट तो आप इनको अच्छे तरीके से तैयार करेंगे अगले अगली यूनिट की तरफ बढ़ते हैं दैट इज़ यूनिट नंबर थ्रू जहाँ पर हमें जियोमेट्रिकल आइसोमर्स मेडिजम कन्फर्मेशन ये सब हमें देखने को मिलती है तो सबसे पहला हमारा प्रश्न है डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ये काफ़ी कॉमन सा प्रश्न है बहुत बार पूछा गया है इसी से रिलेटेड जो है एक प्रश्न यहाँ पर भी जैसे कि ई एन जेड सिस ट्रांस सिन और एंटी जो भी तरीके के ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं इन पर कई बार प्रश्न पूछा गया है और ये इसीलिए एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है सेम क्योंकि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बता रहे हैं तो आप उसमें ई एन जेड सिस एंड ट्रांस भी बता सकते हैं तो इसलिए जो है एक ethane, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है डिस्कस द कन्फर्मेशन्स ऑफ इथेन ये एक प्रश्न है जो कि मैंने देखा काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ बहुत बार इसको पूछती हैं इसलिए पूछते हैं क्योंकि कन्फर्मेशन्स जो है वो आपके सिलेबस में तीन मॉलिक्यूल्स uh, के हैं एक इथेन का है ब्यूटेन का है साइक्लोहेक्सेन का है लेकिन इथेन जो है वो सबसे इसमें छोटा है उसको एक्सप्लेन करना आसान है तो दो नंबर में पूछे जाने की इसकी संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है साथ ही साथ साइक्लोहेक्सेन के भी कंफर्मेशन पूछे जा सकते हैं दो ही तरीके के होते हैं चेट जो आप सॉरी चेयर फॉर्म है या बोर्ड फॉर्म है तो उन दोनों को भी आपको बना करके दो नंबर में वहां से भी पूछा जा सकता है तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए हो जाता है ब्यूटेन का पूछ रहा है वो भी पूछा सकता है सात नंबर में पूछ सकता है दस नंबर में पूछ सकता है उसको ध्यान रखेगा इलिस्ट्रेट द न्यू मैं प्रोजेक्शन ऑफ साइकलो एक्सन साइको एक्सिन का न्यूमैन प्रोजेक्शन एक दो बार पूछा गया है तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और साइक्लोहक्सीन के भी कंफर्मेशन जा सकते हैं तो उसको आपको तैयार करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉट इज एट्रोपाइस आइसोमेरिज्म एट्रोप आइसोमेरिज्म जो है वो हमें बाईसाइक्लिक कंपाउंड में जनरली देखने को मिल रही है तो इसको भी जो है आप तैयार रखिएगा क्योंकि ये टर्मिनोलॉजी जो है बहुत बार पूछी गई है बहुत सारे पेपर्स में पूछी गई तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है अगला प्रश्न है एक्सप्लेन ई गन जेड ट्रांस आइसोमर विथ सुटेबल एग्जाम्पल ये पहले वाले प्रश्न का ही एलोबरेटेड वर्जन है यानी कि इन दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है तो अगर वो इंपॉर्टेंट था तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न है वट इज स्टीरो स्पेसिफिक एंड स्टीरो सेलेक्टिव रिएक्शंस आप अगर आप पेपर में देखेंगे तो इन दोनों में से कोई एक भी पूछा जा सकता है दोनों भी साथ में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछे गए हैं तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न काफी ज्यादा बनता है हमारे लिए तो हम इनको जरूर एग्जाम से पहले हमको तैयार करके देखना चाहिए चलिए अब देखते हैं यूनिट नंबर टू के लॉन्ग क्वेश्चन को तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है वह है डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड एक्सप्लेन सिस ट्रांस और ई एन जेड और सीन एंड एंटी सिस्टम ऑफ नॉम लेचर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स विद एग्जाम्पल्स तो ये और और तो हमने लगाया है एक्चुअल में क्या है कि जब भी आप पेपर्स पुराने देखेंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के तो आप पाएंगे कि जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेजम है इसको डिफाइन करते हुए इन तीनों में से यानी सिस एंड ट्रांस ई एन जेड और सिन और एंटी इन तीनों में से कोई एक ज़रूर साथ में इस यूनिट से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो पूछा जाता है और इस प्रश्न को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना पड़ेगा ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत बार ही इसको पूछा गया है नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द स्टीरो आइसोमेरिज्म इन बाई फिनाइल कंपाउंड्स जिसे हम लोग अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया एटोपो आइसोमेरिज्म के नाम से जानते हैं तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है और जो इनके लिए कंडीशंस होती हैं बाईफ कंपाउंड्स के लिए जो किस मिस्ट्री और आइसोम किस प्रकार से पाई जाएगी उस कंडीशन को भी पूछा जाता है तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बन जाता है अगला प्रश्न है राइट कन्फर्मेशनल आइसोमाइजम ऑफ एन ब्यूटेन और साइक्लोहेक्सेन हमने कहा कि आ, इथेन का आपको पहले ही बताया कि वो दो नंबर में जनरल पूछा जाता है लेकिन इन दोनों में से कोई एक जो है वो सात या दस नंबर में बहुत बार पूछा गया है इसीलिए ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है अगला प्रश्न एक्सप्लेन मैथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिग्रेशन ऑफ ज्योमेटिकल आइसोमिज्म ज्योमेटिकल आइसोमर्स या ज्योमेटिकल आइसोमाजम के जो डिफरेंट कन्फिग्रेशन हैं उनका कौन कौन से से हम डिटर्मिनेशन करते हैं ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत बार जो है ये पूछा गया है अगला प्रश्न डिस्ट डिटेल अमाउंट ऑफ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शंस और इलेक्ट स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शंस इन दोनों में से कोई एक या दोनों ही दस नंबर में अगर पूछ रहा है तो दोनों पूछे जा सकते हैं सात नंबर में दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाता है दो नंबर में पूछ रहा है तो आप डेफिनेशन दे करके निकल जाएंगे यहाँ पर एक... आपको जैसे हमने वीडियो में एक्सप्लेन करके एक दोनों टॉपिक्स को बहुत ही एक्सप्लेन करके बताया हुआ है आप डिस्क्रिप्शन में देख पाएंगे जो आपको क्या नाम है प्ले दे रहा हूँ वहाँ पर आप जाइएगा इन टॉपिक्स को देखेगा तो इसमें से एक दो एक एग्जाम्पल जो आप अच्छे तरीके से तैयार करेंगे जा करके पेपर में आपको लिखना होगा और इन दोनों में से क्योंकि कोई ना कोई जरूर पूछा जाता है इसलिए ये काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है अब चलते हैं यूनिट नंबर तीन की तरफ यूनिट नंबर तीन में जो सबसे पहले हम बात करेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस की जो कि टू मार्क्स में आते हैं सबसे पहला प्रश्न है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स गिफ एग्जांपल ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है सिंपल सा है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं उनकी आपको डेफिनेशन देनी है और कुछ एग्जाम्पल्स में आप किसी का भी नाम लिख लीजिए प्योरीन है पैडमडीन है प्योरल है आप पैरॉल है फ्यूरॉन है थाइफिन है कुछ भी पैरेडीन है पैरेमिडीन है जो आपको लगे वो एग्जांपल आप यहाँ पे दीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये बहुत बार पूछा गया इसीलिए इसको मैं इंपॉर्टेंट कर दे रहा हूँ हाँ अब ये है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं हम तो इसके अब पूछे जाने की संभावना थोड़ी कम हो सकती है बट अभी भी एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन है अगर इस यूनिट से पूछना है कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं। अगला प्रश्न है डॉट द स्ट्रक्चर ऑफ एनी टू हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कंटेनिंग टू हेट्रो आइटम्स दो हेट्रो आइटम्स रखे हुए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं ये कई बार पूछा गया है तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बनता है अगला है राइट द सेंथिस ऑफ फ्यूरॉन फ्यूरोन क्या है फ्यूरॉन की सेंथेसिस कैसे करते हैं एक दो सेंथेसिस मैथड दो तीन पूछ सकते हैं बता सकते हैं अगर दो नंबर में ज्यादा सात नंबर में होता तो ज़्यादा बताते है आप तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं ये कई बार पूछा गया ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला प्रश्न है राइट द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ एनी टू टूडक्ट्स कंटेनिंग फ्युरान रिंग ऐसे ही फ्यूरॉन से या थाफिन से या पैरोल ये तीन रिंग आपके इस यूनिट में हैं तो इन तीनों से रिलेटेड इस तरीके का प्रश्न आ सकता है कि जहाँ पे स्ट्रक्चर एंड यूज आपको लिखना है दो दो ड्रग आप इन तीनों का एक बना करके देख लीजिएगा तो आपके लिए आसानी रहेगी और क्योंकि तो इस तरीके का प्रश्न बहुत बार पूछा गया है इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है अगला प्रश्न है गिव द रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ पायरॉल फ्यूरोन एंड थाइफिन ये इस यूनिट का सबसे ऑब्वियस क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पर एरोमेटिसिटी या रिएक्टिविटी इन तीनों के बीच का जो एक रिलेशन है या रिएक्टिविटी जो ऑर्डर है या एरोमेटिसिटी का जो ऑर्डर है वो दो नंबर में भी पूछा जा सकता है सात में पूछा सकता है दस में भी तो अगर दो नंबर पूछा तो केवल ये बताइए कि कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव होगा कौन सा कम रिएक्टिव होगा एक लाइन में लिख करके आप निकल जाते हैं या स्ट्रक्चर बना करके आप दिखा सकते हैं जबकि जब, जब सात नंबर दस नंबर मिलेगा तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा और ये क्योंकि बहुत बार पूछा गया इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगला प्रश्न नेम द स्ट्रक्चर ऑफ थायोफिन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स थायोफिन रिंग कंटेनिंग कंपाउंड्स को जैसे यहाँ पे ये यह प्रश्न बिल्कुल वैसे यहाँ पे भी है और कई बार क्योंकि पूछा गया इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रश्न इस यूनिट से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बन सकते हैं ऑब्वियस से कुछ प्रश्न हैं जो कि पूछते हैं खास करके सात नंबर और दस नंबर में जहाँ पर एरोमेटिसिटी और रिएक्टिविटी का कंपेरिजन दो या तीन मॉलिक्यूल में हो सकता है जैसे पायरोल फ्योन का कर दिया पायरोल थाफिन का कर दिया फ्योन थाायोफिन का कर दिया ये प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है अगला है डिस्कस द एग्जाम्पल्स ऑफ रूल्स ऑफ नॉमिक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइट्रोसैटलिक कंपाउंड कई बार ये प्रश्न पूछा गया जैसे दो नंबर में था वैसे सात नंबर में पूछ सकता है कि क्या होते हैं हाइट्रोसैटलिक कंपाउंड उनका क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं उनका नॉमिनक्लेचर कैसे लिखते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हो जाता है अगला प्रश्न गिव द सेंसेस एंड रिएक्शन ऑफ थायोफिन था था एंड फ्योन जो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ तीन ही है आप चाहें तो तीनों को अच्छे से तैयार कर लीजिए ये प्रश्न भी ऑब्वियस अब एक प्रश्न बनता है और इसके पूछे जाने की संभावना भी काफ़ी ज़्यादा होती है बट इस यूनिट का जैसे ये पहला वाला प्रश्न है तो ये दो के बीच में हम कंपेरिजन किए हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है वो ये आपका है इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिए इस इसमें मैंने वीडियो भी कर रखा है इसी टॉपिक पर कि जो रिएक्टिविटी है और जो एरोमेटिसिटी है उसका रिलेशन या उन, उनके बीच में जो ऑर्डर है जो हमारा पायरॉल है फ्यूरोन है और थाइफिन और इनके यूजेस के साथ बहुत बार पूछा गया ये तीनों आपके सिलेबस में इस तरीके से लिखा भी है कि इनकी रिएक्टिविटी और एडोमेटिसिटी को आपको पढ़ना है ऑर्डर को तो ये ये प्रश्न सीधे सीधे वहीं सिलेबस से उठा करके पूछा जाता है और इस यूनिट में सबसे ज़्यादा पूछे जाने की कोई संभावना किसी प्रश्न की है तो वो इसी प्रश्न की बनती है तो इसको अगर आप तैयार कर लेंगे तो इससे रिलेटेड ऐसे जमा लीजिए दो वाला आ रहा है तो भी आप कर लीजिएगा इसकी आपको यूजेज लिखनी है मान लीजिए तो वो भी आपका हो जाएगा तो ये प्रश्न जरूर इसको अच्छे से तैयार आप करें अगला अगली यूनिट है हमारी यूनिट नंबर फोर इस यूनिट में क्योंकि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स की एक बाढ़ है बहुत सारे कंपाउंड्स में डोल है पायरोल है क्यूनोलिन है जोल्स हैं क्यूनोलिन है आपका इमिडाजोल है, है प्यूरिन पैरामिटीन सब हैं इसमें तो इसलिए इससे जो है प्रश्न काफ़ी ज़्यादा बनते हैं फिर भी वो प्रश्न जो कि हर बार पूछे गए यानी ये सभी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसलिए जो है आपको इन सभी प्रश्नों को देख लेना चाहिए इसमें सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करेंगे पहला गिव द स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ इमडाजोल इंडोल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला है हमारा सभी इंपॉर्टेंट है इसमें तो इसमें हम लिखने ना लिखें ये हर बार पूछे जाते हैं इसी यूनिट से सबसे ज्यादा प्रश्न दो नंबर में आपको मिलेगा अगर आप ध्यान से देखिए अपना पेपर्स तो राइट केमिकल स्ट्रक्चर एंड नंबरिंग ऑफ आइसोक्यनोलोन एंड एक्रीडीन राइट द स्ट्रक्चर ऑफ पायराजोल प्यूरिन पेरीमेडीन एंड सॉरी पेरीडीन एंड पेरिमेडीन ये प्रश्न तो बिल्कुल तैयार रखिएगा बहुत इनमें भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत बार पूछा जाता है इन इन चारों में से दो कोई भी या एक कोई भी जरूर पूछ लेते हैं नेक्स्ट इज राइट द स्ट्रक्चर एंड मेडिसिनल यूज ऑफ इमिडाजोल हाँ इंडोल वाला जो है इंडोल और इमेडाजोल अलग अलग एक साथ भी पूछते हैं अलग अलग भी पूछते हैं इसमें इंडोल और इमेडाजोल ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये मैंने देखा कि बहुत बार इंडोल खास करके बहुत पूछा जाता है नेक्स्ट इज डिस्कस एनी टू सिंथेटिक मैथड्स ऑफ थाइजोल जैसे सिंथेटिक मैथड था थाइजोल का है तो किसी और का भी पूछा जा सकता है तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बन जाता है अगला है हमारा मैंसन एनी अच्छा इसमें केवल इंपॉर्टेंट नहीं ये वेरी इंपॉर्टेंट है अगला है मैंसन एनी टू रिएक्शंस ऑफ क्यूनोलोन यहाँ पे क्यूनोलोन या आइसो क्यूनोलोन के दो रिएक्शंस काफ़ी बार पूछे गए हैं अगला एक्सप्लेन वाई पेरेडीन इज मोर बेसिक देन पैरोल अब ये जो प्रश्न है ये आपके सिलेबस में भी मैंशनड है और आ, मतलब क्योंकि बेसिसिटी आपको पढ़नी है इनकी और एक खास बात और है कि ये सात नंबर और दस नंबर में पूछा जा सकता है तो एक्सप्लेन करना हो ज़्यादा बड़ा तो वहाँ पे और शॉर्ट में अगर लिखना है तो यहाँ पे ये पूछा ही जाता है नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसी की पूरी कहानी हमने वीडियोज इन सब पे किए हुए हैं तो इसका आप जरूर ध्यान रखिएगा और ये एक बहुत ज्यादा वाला इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि ये बहुत बार पूछा जाता है तो इसको जो तैयार रखिएगा राइट द केमिकल स्ट्रक्चर नंबरिंग ऑफ क्यूनोलिन अगला राइट द राइट डाउन द स्ट्रक्चर एंड नेम्स ऑफ द ऑल एजोल्स जो भी एजोल्स आपके सिलेबस में है या जो एजोल्स होते हैं एजोल्स क्या है नाइट्रोजन कंडिंग कंपाउंड है साइक्लिक कंपाउंड और उनके एक्जाम्पल्स आपको यहाँ पर लेना है नेक्स्ट इज वाई ऑक्साजोल डज नॉट अंडर गो नाइट्रेशन और सल्फेशन ये भी कई बार पूछा गया प्रश्न है तो ये भी एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए बनता है और इस यूनिट से काफी सारे प्रश्न बनते हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से जरूर तैयार कर लीजिएगा अब आते हैं यूनिट नंबर फोर पे जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हैं उसमें सबसे पहला राइट द देंथेस है मेडिसिनल यूजेज ऑफ पैरिमेडींस एंड क्यूरिन डेरिवेटिव्स बहुत बार पूछे गए हैं और इसको आप अच्छे से बिल्कुल अच्छे से तैयार करें अगला है गिव द सेंथस ऑफ ऑक्साजोल एंड थाइजोल विद द मेडिसिनल यूजेस ये भी बहुत बार पूछा गया प्रश्न है अगला है राइट सेंथेसिस एंड यूजेज ऑफ क्यूनोलिन एंड इंडोल ये इंडोल और क्यूनोलिन बहुत बार पूछे जाते हैं तो इसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार करें अगला है राइट गिव द देंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ पैराजोल पैनमेडीन एंड एजिपीस अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट है ये ये भी ये सारे इंपॉर्टेंट ही हैं क्योंकि इस यूनिट से प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं नेक्स्ट इज डाइट द सेंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल ऑफ इमराजोल एंड एडीन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला है डिस्कस अबाउट द बेसिसिटी ऑफ पैराडीन ये इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो वहाँ पे अभी हमने लिखा था ना रिलेशन uh, वाला कि आप uh, को क्या नाम है uh, जैसे कि uh, आपका पा, पायरोल है उसकी पैरेडीन के साथ आप कर रहे हैं कंपैरिजन uh, तो वो तो ये प्रश्न तो बहुत बार पूछा गया और ये सबसे ऑब्वियस प्रश्न है और ये पूछा ही जाएगा इस यूनिट से तो इसको आप ज़रूर अच्छे से तैयार रखें अगला हमारा यूनिट नंबर फाइव यूनिट नंबर फाइव में भी क्योंकि नेम रिएक्शन्स हैं यहाँ पर तो यहाँ पर नेम रिएक्शन्स तो सबसे अच्छा ये होगा कि आप सभी नेम रिएक्शन्स को हम लोगों ने बहुत ही शॉर्ट तरीके से वीडियोज़ बनाए थे और एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी मैकेनिज्म के साथ शॉर्ट में एकदम तो वो आपको वीडियो का लिंक तो मान लीजिए डिस्क्रिप्शन में मिल ही जा रहा है लेकिन हम चाहेंगे कि आप उन सभी रेम रिएक्शंस को अच्छे से तैयार रखें तो तीन से चार प्रश्न इस यूनिट से आपको पेपर में मिल सकता है दो से चार तो पक्का है कि मिलना ही मिलना है और वो जो मिलेंगे और उस पर आपने केवल रिएक्शन लिख देनी है मैकेनिज्म लिख देना है और आपके नंबर एकदम फिक्स हो जाएंगे तो ये यूनिट तो इसलिए बहुत आसान हो जाती है तो इसमें सबसे पहला प्रश्न गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ एन एंड लिथियम एलमोनियम हाइड्राइट तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है बहुत बार पूछा गया इन दोनों में से कोई एक पूछा जाता है हम दोनों लिख दे रहे हैं नेक्स्ट इज व्हाट इज ओपेन आर ऑक्सीडेशन और नेम द कैटलिस्ट यूज इन द ओपेन आर ऑक्सीडेशन जितने भी नेम रिएक्शन हैं उसमें कौन सा सबसेट यूज हो रहा है कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है या कौन सी क्या क्या नाम है कैटलिस्ट हम उसमें यूज़ करते हैं इस पर ओवियस से प्रश्न यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चन में बनते हैं तो ये एक एक्जाम्पल के रूप में मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको बट इसको आप जरूर अच्छे से तैयार करें कि जो भी रिएक्शन है उसमें कौन कौन से सब्सेट यूज हो रहे हैं क्या प्रोडक्ट बनता है और कौन सा कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो ये इसलिए एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे लिए हो जाता है राइट अबाउट डकिंग रिएक्शन डकिंग रिएक्शन और यहाँ देखिए ब्रिज रिएक्शन ये दोनों ही रिएक्शन देखिए दो बार इसलिए लिख दिया क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन इन्वॉल्व करके भी पूछा सकता है या डकिंग रिएक्शन क्या हो सकती है ये भी पूछा सकता है ये इन दोनों में से कोई एक हर बार लगभग पेपर में हमें मिल जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये रिएक्शन सॉरी ये क्वेश्चन ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगला है वॉट वाट फंक्शनल ग्रुप्स डज सोडियम बोरोहाइड्रेट रिड्यूस सोडियम है बोरोड बोरोहाइड्रेट क्या रिड्यूस करता है कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को वो आपसे पूछा गया तो तीन बार पूछा गया नेक्स्ट इज नेम द रिड्यूसिंग एजेंट यूज इन द क्लेमेंसन रिडक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन ठीक इसी तरीके की बात हो रही है कि कौन से रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं क्लेमेंसन रिडक्शन में और उनका क्या एप्लीकेशन है ये आपको बताना है नेक्स्ट इज केमिकल रिएक्शन यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड डायरेक्टली इंटू एल्केन वो कौन सी रिएक्शन है जो कि एलडीहाइड्स uh, को सीधे एल्केन में कन्वर्ट करती है ये प्रश्न इस तरीके से भी पूछा जा सकता है इसीलिए मैंने कहा कि अगर हमको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मालूम हो तो हम इस तरीके के प्रश्न का आंसर कर सकते हैं तो ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है नेक्स्ट इज लॉन्ग क्वेश्चन हैं और लॉन्ग क्वेश्चन इसमें क्या ही पूछेगा सीधे नेम रिएक्शन के ऊपर प्रश्न पूछे जाएंगे जैसे कि मेटल हाइड्राइड रिडक्शन रिएक्शन के ऊपर एक नोट दे दीजिए या फिर लिथियम अलूनियम हाइड्राइड के ऊपर एक नोट दे दीजिए नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द बैकमेन रीअरेंजमेंट रिएक्शन विद एग्जाम्पल अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इन सभी Uh, जो रिएक्शंस हैं उसमें जो तो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले रिएक्शंस अगर बोलूं तो उसमें ये बैकमेन रीअरेंजमेंट है लगभग हर साल ही पूछा जाता है तो इसको आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा नेक्स्ट इज डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ क्लेमेंसन रिडक्शन बिच रिडक्शन एंड वॉल्व क्वेश्चन रिएक्शन इन तीनों में से भी इन तीनों के भी में में से भी कोई एक के पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये तीनों में से कोई ना कोई हर बार देखने को मिल रहा है तो ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है नेक्स्ट इज एक्सप्लेन इसकेमेट क्लासिन स्किमिटेड कंडेंसेशन और ओपन और ऑक्सोलेशन ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है कई बार पूछा गया इन दोनों में से कोई एक अगला हमारा गिव डेफिनेशन एंड रिएक्शन मैकेनिज्म फॉर स्किमिट रीअरेंजमेंट एंड डक्की रिएक्शन तो डक्कीन और पार, अ, क्या नाम है ब्रिज इन दोनों में से कोई एक ना एक आता ही है तो ये भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और स्कीमिटेड जो रिएक्शंस हैं चाहे वो कंडेंसेशन हो या रीअरेंजमेंट इन दोनों में से भी कोई एक जो है काफ़ी बार जो है वो देखने को मिल जाता है तो ये सभी प्रश्न जो हैं वो कई बार पूछे गए प्रश्न हैं मतलब इनके अलावा भी कुछ प्रश्न बनते हैं जो कि कभी पूछे जा सकते हैं बट अगर आप पेपर इस पेपर को ले लीजिए जो अभी हमने आपको दे रहे हैं इंपॉर्टेंट वाले और अपने पाँच साल का पुराना पेपर उठाइए तो आप देखेंगे कि लगभग ही कोई प्रश्न जो होगा वो छूट रहा होगा क्योंकि घुमा फिरा करके इन्हीं चीज़ों से प्रश्न आपके बन रहे हैं तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इन प्रश्नों के आ, मतलब सारे प्रश्न अगर आप नहीं तैयार कर पा रहे हैं तो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं उनको तो अच्छे से तैयार कीजिए साथ ही साथ जो छूट रहे हैं आपसे उनको भी अच्छे से देख लीजिए एक बार कि क्या आंसर अगर आता है तो हम किस तरीके से इसका आंसर करेंगे और आपको देखिएगा कि आपका पेपर बहुत ही अच्छे से होगा आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आने वाले पेपर्स के लिए वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए चैनल पर नया होता चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इसका जो पी का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से आप उसको निकाल सकते हैं डिटेल आंसर के लिए जो प्ले का मैं आपको इस सब्जेक्ट की प्ले का जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वहाँ से आप देख सकते हैं वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद